आप चालू हो गया भाई, देख लो काफी पब्लिक फोटो चल रहा है। चलिए अभी चलते हैं इधर भीड़ के साथ पीछे तरफ। हाँ तो भाई, तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं कहाँ पर हूँ भाई, धनबाद और बोकारो का बॉर्डर में हूँ। ये है दामोदर नदी, इधर का ब्रिज सुना भाई। तो देखो ये जो लोकेशन है काफी परफेक्ट लोकेशन है, और आप लोग समझ रहे होंगे भाई अचानक से यहाँ क्यों पहुँच गया। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज है, आप लोग को ऐसा जगह दिखाने वाले हैं, मतलब वहाँ पर मेला लगा हुआ है और काफी मतलब डेंजर पंडाल बना हुआ है भाई, क्योंकि वो पंडाल को तो हमने कलकत्ता में नहीं देखा है, बट यहाँ पर देख रहे हैं कि कलकत्ता में अगला साल उसी का मतलब बना था ना भाई। हाँ, उसी का थीम दिया गया था, जो कि यहाँ पर हमारे बोकारो में दिया गया है भाई। और हम लोग इसलिए यहाँ पर रुके हैं क्योंकि हम लोग का मन कर रहा था कि वहाँ पर जाने के लिए। देख लो वहाँ पर भाई बहुत सारा लग रहा है कि एक दो मॉडल है वहाँ पर सामने में, येलो कलर का पहने हुआ मॉडल है। तो सोचे रील्स वील्स बनाएंगे, बट क्या हम लोग का शाम हो जाएगा तो ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। फिलहाल चलते हैं, बारिश का मौसम आते थे हम लोग भींग गए हैं भाई पूरा, तब जाके यहाँ से ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं, डायरेक्ट दिखाते हैं हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। फिलहाल बता रहे इतना कि हम लोग सेक्टर 4 जाएंगे ना भाई। हाँ भाई, बता रहे। तो चलो हमारे साथ है कैमरामैन अर्जुन भाई, और अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कहाँ भाई? बोकारो। तो चलो ब्लॉग पर बने रहो। सो गाइस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक शॉर्टकट वाले रास्ते से जा रहे हैं, पूरा जंगल जंगल वाला रास्ता है क्योंकि इसमें ना टोल टैक्स नहीं लगता है। अगर कोई किसी को जानकारी हो तो मालूम होगा, धनबाद से अगर बोकारो बराबर आना जाना करते हैं तो ये रूट से मतलब टोल टैक्स नहीं मिलता, और उधर से जाएंगे तो फोर व्हीलर लिखा हुआ तो टोल टैक्स लग जाएगा। ऐसे टोल टैक्स हम अभी तक नहीं दिए हैं अपना कार में, क्योंकि मेरा वहाँ से ससुराल मात्र हो गया 7 से 8 किलोमीटर होगा हमको शायद, लग रहा है तो नहीं लगता है, एक बार भी नहीं लगा है। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं दूसरे रास्ते से होकर डायरेक्ट ये सेक्टर 4 हम लोग निकल जाए। तो चलो अभी डायरेक्ट पहुंचते हैं, आप लोगों को काफी डेंजर चीज दिखाने वाला है। तो आज एक भाई मिल गया, इनसे पूछ रहे हैं किधर जाना है भाई, उधर पंडाल जो बहुत डेंजर पंडाल बना, किधर बना था? आगे मेला लगा है। कौन सा बना हुआ है पंडाल? दुर्गा पूजा के लिए लगा रहे, गणेश गणेश चतुर्थी के लिए। और ये क्या बोलते हैं, कहाँ का पंडाल को यहाँ बनाया गया है, कौन सा ये का? आ, नहीं, वो तो वो बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा तो दुबई में है। अभी दुबई हम लोग नहीं जा पा रहे भाई, तो आज अभी बना हुआ है कि वहाँ पर? हाँ हाँ बना हुआ है। चलो भाई, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आगे वाला है का? अरे भाई देखो, देख सकते लाइटिंग वोटिंग चालू हो गया पूरा। भाई सब पूछे हम लोग ना कि बुर्ज खलीफा किधर बना, तो बोला यहाँ कहाँ है बुर्ज खलीफा, हम बोला बुर्ज खलीफा कहाँ है, तो जाना पड़ेगा दुबई। मतलब दुबई तो नहीं जा पाएंगे भाई, यहीं घर हम लोग का जाना होगा। तो भाई ये सामने वाला गेट जो दिख रहा है ये है शायद, ये क्या मतलब ये लग ही रहा है पूरा, ये जो एंट्री गेट यही से। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे सामने में जाके अभी क्या सीन है आगे का, नहीं आपको व्यू दिखाते हैं हम लोग को। सो दोस्तों फाइनली अभी हम क्या किए, हम आ जा रहे हैं बाइक में पीछे ताकि इसको अच्छे से कवर कर पाए, तो भाई को दे दिए इसको। क्या हो रहा था ज़्यादा देर तक चलाए, हम लोग घूमे भी गए थे जिसके वजह से बोले भाई तुम थक गया होगा तो हमको चलाने दो। तो गाइस यहाँ से देख सकते हो भाई पंडाल तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है, आगे का ही एंट्री वाला है। चलो ये रहा भाई गेट। तो जो लोग भाई धनबाद से हो देख लो, अगर उधर से आने का रहेगा तो अभी मेला शायद 27 तारीख तक, एक भाई से मैंने फ़ोन किया था तो बताया 27 तारीख तक, आप लोग बताना कि 27 तारीख तक पंडाल रहेगा कि नहीं रहेगा। और आगे देखो भाई और भी खतरनाक लग रहा है भाई, मज़ा आ रहा है का? बहुत मज़ा आ रहा है भाई, मस्त नज़ारा है, मौसम सुहाना है। और भाई बुर्ज खलीफा इधर है। अरे भाई बुर्ज खलीफा किधर से देखेंगे, हम लोग पीछे तरफ आ गए हैं भाई बुर्ज खलीफा का, ये है बुर्ज खलीफा मतलब पीछे साइड में आएगा। एक मिनट रुक जा भाई, इधर ही रुको, इधर कहीं गाड़ी लगा दो आराम से एकदम, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम पहले गाड़ी लगाओ भाई उसके बाद दिखाते हैं। हाँ घुसा लगा नहीं, देख सकते हो अनाउंसमेंट हो रहा है, बाइक को यहाँ पर लगाते हैं हम लोग सबसे पहले। तो गाइस देख सकते हो हम लोग पंडाल के पीछे साइड में आ गए हैं, और पंडाल का पीछे साइड से व्यू कुछ इस तरह का दिखता है, आप लोग देख सकते हो इस तरह का व्यू है यहाँ। और अभी हम लोग चलिए फ्रंट से आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल सबसे पहले क्या करेंगे, बाइक को रख दे रहे हैं हम लोग इसी तरह, रुको पकड़ा हम लोग करते हैं।
तो चलिए गाइज अभी इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बाइक को वहीं पर लगा दिए। सो चलिए गाइज हम लोग पीछे तरफ आ गए है ना, आगे जा रहे हैं, आगे सब लोग को फ्रंट। तो दोस्तों चलिए फाइनली अब आप लोग को अंदर लेके जाते हैं, अंदाज में कैसा इसका थीम बनाया गया। बाहर से देख सकते हैं भाई अभी लाइटें नहीं जल रहा, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से दो चार वीडियो में देखे भाई लाइट अभी पूरा नहीं जला है, नहीं तब तक जलता है लाइट, रात नहीं हुआ कैसा ही वो आप चालू हो गया भाई, देख लो काफ़ी पब्लिक फोटो चल रहा है। चलिए अभी चलते हैं अंदर, भीड़ देखा पीछे तरफ, हाँ तो भाई पीछे अभी तो हमको लग रहा है भीड़ नहीं है, मतलब अभी बगल से मालूम नहीं कितना दिन तक रहेगा, चलिए जानकारी नहीं कितना दिन तक रहेगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं पंडाल के अंदर में, बाद में आप लोगों को दिखाएंगे बाहर उसका लेजर लाइट पूरा जलने लगा। उसके बाद वैसे भाई हम लोग लड़का क्या बोला, हम लोग मलेशिया तो नहीं जा पाएंगे, यहीं पर सही वहाँ भोग 100 रुपया मिल जाएगा लेडीज़ के लिए, इधर जेंट्स के लिए इधर। एक हफ्ता रहेगा मेला, इसी जानकारी मिल गया, सत्ताईस अट्ठाईस तक रहेगा। अब बड़ा सा देख सकते हैं इधर भाई स्टेचू है जय बाबा गणपति, अपने गणपति बाबा मौर्या ना गणपति बाबा। तो भाई देख सकते हो बड़ा सा स्टेचू है भाई, 10 फीट का है ना, 10 फीट का तो होगा पूरा आराम से, गणेश भगवान का फोटो बना हुआ था, गणेश भगवान को फोटो से तो भाई मेला अपन हो रहा है, ये हम लोग सही टाइमिंग पर आए हैं लग रहा है। हां चढ़ाया जा रहा है, इंडिया तो जीत गया रे, अरे भाई भाई इधर से इंचिस द्वारा उधर से भी निकल, उधर लेडीज के लिए इधर से अपना देखते हुए और फिर बाहर निकल जाओ, देख सकते हो यहाँ पर गणेश जी का स्टेचू लगाया गया गणपति बाबा, मतलब अभी शायद मुंबई में भी इसी का ज़्यादा ये होता है गणपति बाबा मनाया जाता है, मुंबई में खासकर खासकर बोकारो में भी हमको लग रहा है इस तरह का हो रहा है, इसका कारण हम भी कुछ ना कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो भाई अच्छी आप लोग देख सकते हो किस तरह का है पूरा, आप लोग जो अंदर का दिखा रहे हैं, और अभी क्या है कि ज़्यादा नॉइज नहीं आ रहा है भाई, क्या शांत है इसलिए वीडियो शूट हो रहा है, या फिर पता नहीं वीडियो शूट हो पाता कि नहीं, तो ये कुछ है आप लोग सामने से देख लो। तो दोस्तों फाइनली पुंगी लिए भाई, इधर एक मेरा दोस्त मिल गया है तो बोला कि भाई हमको भी पुंगी चाहिए, तो पूरे मेला में पुंगी पुंगी कर दिया भाई, कुछ बोलना चाहोगे बोलो। दिस सॉन्ग एक्सक्लूसिव ऑन जूम चैनल टर्न ऑन नाउ, जब भी बॉलीवुड में नया आता है तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव एमटीवी बेस पर आता है बुर्ज बुर्ज खलीफा सॉन्ग। हाँ हिंदी सॉन्ग तो दोस्तों ये भाई अभी हमको डिमांड करते हैं बैलून लेने का, हमारे भाई को तो बच्चा है नहीं, पता नहीं क्यों ले रहा भाई, क्यों ले रहा है बच्चा तो है नहीं, बड़े हैं लेकिन एंटरटेनमेंट कुछ भी करेगा कुछ भी करेगा। तो भाई मेरे चैनल के बारे में बता, कुछ बताया नहीं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। तो एक बार भाई बोल दो गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मौर्या, टाइगर्स ऑफ गणपत मौर्या आ रहा है 20 अक्टूबर कमिंग सून। अबे बज नहीं रहा है मेरा, अबे पेप्सी नहीं है पास या फिर लेओला हे ना ना ना। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो का क्या करना भाई, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो सभी को बाय बाय कर दो, बाय बाय फ्रेंड्स, खाने का भूख लग गया मैं, ओके बाय ओके चलो बाय खाने।